शक्ति टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम इस एलईडी स्ट्रिप की मदद से अपनी खुद की एलईडी ट्यूबलाइट बनाएंगे। हम इस पे कोई एसएमडी एलईडी नहीं लगा रहे हैं, 5mm एलईडी की मदद से हम अपनी एलईडी स्ट्रिप बनाएंगे और छोटी मिनी ट्यूबलाइट तैयार करेंगे। आइए चलिए किस तरह से इस पे, ये सीरीज में है, इसे आप चाहे प्लस से स्टार्ट कर सकते हो चाहे माइनस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन देना सारा सीरीज के अंदर है। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर एलईडी लगाना। इस प्रकार से ये आपस में शॉर्ट ना हो, एक निश्चित दूरी एलईडी की हम अपने माइंड में बिठा लेंगे कि इतनी ऊंची हमने लगानी है, तो सब एक जैसी लगाएंगे जिससे कि ये देखने में अच्छी लगे। देखिए फ्रेंड्स, एलईडी हमारी सारी लग गई है। इनकी लेग्स को हमने इस तरह से काटना है कि इसके अंदर जाने के लिए इस साइड में हमारी लेग्स फंसे नहीं, इनको बराबर हमने काटना है। दोनों तरफ से हमने जगह बना के रखनी है ताकि इस खांचे के अंदर जब ये जाए तो इसको रुकावट ना मिले। अब इसको हम इस तरह से आरी के ब्लेड की सहायता से, देखिए कुछ इस तरह से ब्लेड रखेंगे और एलईडी को इस तरह खड़ा कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह करने से एक तो हमारी एक्यूरेसी आएगी, सारी एक जैसी खड़ी होंगी, और दूसरा हमारा कोई प्रिंट उखड़ेगा नहीं। अगर आप इसको इस तरह रोशनी में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये लाइन नीचे से आ रही है, पूरी एक लाइन ऊपर से जा रही है, तो हमें ये नीचे वाली लाइन लेनी है जो कि पॉजिटिव। यहाँ से थोड़ा सा इसको खुरच के ये पॉजिटिव लेग इसके साथ हमने शोल्डर कर देनी है और ये आगे तक हमारा प्रिंट पहुँच जाएगा। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हम ड्राइवर लगाएंगे, ड्राइवर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, ये MOV भी है इसमें, फ्यूज रेजिस्टेंस भी है, दो कंडेंसर है, IC लगा हुआ है, ड्राइवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें हमारा ऊपर वाला पॉइंट माइनस का है जिसको हम माइनस की तार के साथ जोड़ते हुए चलेंगे। और ये जो लाइन हमारी हमने कनेक्ट करी थी यहाँ ऊपर से, ये नीचे से एक प्रिंट आ रहा है, ये पॉजिटिव में हम इसको जोड़ेंगे इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से प्लस और माइनस हमने कनेक्ट कर दिया, वाइट तार माइनस की है, रेड प्लस की है। प्लस का पॉइंट हमारा यहाँ से सीधा नीचे प्रिंट आ रहा है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है। ये एक ख़राब ट्यूबलाइट में से 8 इंची का करीब एक टुकड़ा मैंने काट के रखा हुआ है, बहुत मिनी ट्यूब बना रहे हैं हम। इसको हम इस प्रकार से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। दोस्तों ये कबाड़ी के पास आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, ख़राब ट्यूबलाइट वहाँ पड़ी रहती हैं, इनको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता, वहाँ से एक सस्ती ट्यूबलाइट आप लेके 10-5 रुपये में 15 रुपये में लेके और इस तरह का आप सर्किट बना सकते हैं और अपनी ट्यूबलाइट खुद बना सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे इस प्रकार इसके अंदर, अब हम दो वायर लेंगे जो इसके ड्राइवर के साथ हमने कनेक्ट करनी है, एक सुराख यहाँ पे इस तरह का बना के इसमें से हमने वायर निकालनी है इस तरह से, और ये ड्राइवर सर्किट का जो मेन है, ये मेन के कनेक्शन इसके साथ हमने कर देने हैं। इसको सोल्डर करके देखिए फ्रेंड, इसके कनेक्शन हमने सोल्डर कर लिए और ड्राइवर को इसके अंदर हमने कर दिया है। अब इसको हम दोनों साइडों को कवर करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करके देखेंगे इसको। एक PVC शीट का टुकड़ा इस प्रकार से हमने इसके ऊपर चिपका लिया है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारी ट्यूबलाइट फाइनली बन के तैयार है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
ये देखिए कितनी अच्छी ब्राइटनेस है इसके अंदर। एक छोटी सी 8 इंची की मिनी ट्यूब लाइट है। चलिए मैं लाइट बंद करके आपको इसकी ब्राइटनेस दिखाता हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी ब्राइटनेस है। अभी एक ट्यूबलाइट मेरे रूम में और जल रही है, अगर मैं उसको भी बंद कर दूं तो ये ब्राइटनेस काफ़ी होगी इसकी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।